वोट खत्म, उनका सूर्यास्त हो गया। अरे उधर वाला सूर्यास्त हो गया, जाने दो, जो टाटा बाय बाय हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, उधर टाटा बाय बाय हो गया। तो साफ तौर पर विधानसभा के सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन तमाम विधायकों की आप बातों को सुन रहे थे। हमने साफ तौर पर देखा राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई नजर आई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तनातनी अभी भी बनी हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बन्ना गुप्ता की आपने बातें सुनी, इसके पहले चंपाई सुरेन जुड़े थे, उनकी बातें आपने सुनी। तो साफ तौर पे कहा जाए कि पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में ही टकराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें सत्र की ही बात कर लेते हैं, तो आखिरी दिन रहा और आखिरी दिन पूरा हंगामेदार रहा। एक तरफ अनोखे अंदाज में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया, बालू बेचा गया, तराजू लाके विधानसभा के बाहर। तो साफ तौर पे कहा जाए कि मॉनसून सत्र इस बार का काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। एक तरफ बीजेपी विधायक अपनी मांगों को लेकर अडिग भी हमारे नजर आए, यहां तक कि विधानसभा में ही उनकी एक रात भी कटी। तो कहा जाए इस बार का सत्र काफी ज्यादा हंगामे की भेंट भी चढ़ता हुआ नजर आया। और आज आखिरी दिन की अगर हम बात कर ले तो 18 विधायकों को 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, और ऐसे में उन तमाम 18 विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। और सिर्फ हेमंत सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष पर भी आरोपों की बौछार की गई। आरोप में यह कहा गया कि विधानसभा के अध्यक्ष सत्ता के प्रेमी हो चुके हैं, सत्ता पक्ष का ही पक्ष लेते हैं और उनके ही इशारे पर निलंबित भी किया गया विधायकों को। तो सिर्फ राज्य सरकार पर ही हमलावर नहीं होती हुई नजर आई बीजेपी, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पर भी कई गंभीर आरोप मढ़े गए बीजेपी के विधायकों की ओर से। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने आखिर कौन कौन सी वो बड़ी बातें कही हैं। विधानसभा में सदन के अंदर बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है, कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत भड़के हुए भी नजर आए। विपक्ष पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन साफ तौर पर सीएम हेमंत सोरेन ने कई ऐसे मुद्दे भी उठाए, चाहे वो सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, मीडिया फ्रीडम पर सीएम ने भी सवाल खड़ा किया है, शहरों में बढ़ती आबादी पर भी सीएम का सवाल आया, रांची धनबाद जमशेदपुर में आबादी किसकी वजह से बढ़ा ये भी बातें कही गई हैं, हमारी स्थिति पाकिस्तान के बदतर करने पर लगी है बीजेपी, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सदन में। साफ तौर पे कहा जाए तो हंगामेदार मॉनसून सत्र का अंत हो चुका है, अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा हमें देखने को मिला, चाहे वो विपक्ष की बात कर ले हम, सत्ता पक्ष दोनों के बीच में ही टकराव देखने को मिला, कई गंभीर आरोप भी मढ़े गए एक दूसरे के ऊपर। और बन्ना गुप्ता ने तो एक अलग अंदाज में ही सत्ता पक्ष को लेकर बात कही है कि अगर वो करे तो बहुत अच्छा और हम करें तो बुरे क्यों हम बन जाते हैं। तो साफ तौर पे कहा जाए कि सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और ये शुरू दिन से ही हमें देखने को मिला। 6 दिन का ये सत्र चला, लेकिन 6 दिन की अगर बात कर ली तो 6 दिन विपक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करती हुई नजर आई। एक तरफ तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर होती रही कि केंद्र में बहुत सारी चीजों को नहीं सही से चलाया जा रहा है, लूटने का काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम झारखंड की ही बात कर लेते हैं, झारखंड सरकार की ही बात कर लेते हैं, तो झारखंड सरकार पर बीजेपी के विधायकों ने कई आरोप मढ़े, चाहे वो बालू चोरी की बात कर ले हम, बांग्लादेश से घुसपैठ की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, उनसे भी भेदभाव किया, उनको भी आवाज को दबाने का काम किया। ये सरकार जाने वाली है, लिख के रख लीजिए, ये सरकार चली गई
एनडीए वापस आएगी, मजबूती के साथ आएगी और नया सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा। रांची के डेमोग्राफी के लिए कह रहे हैं कि भाई आप जाकर के देख लीजिए, अब रांची की जनता से जाके पूछे कि रांची की जनता महुआबाजी से पूछे, रांची की जनता विनोद पांडे जी से पूछे, रांची की जनता जो यहाँ रहने वाले कांग्रेस जेएमएम और बाकी लोगों जो कांग्रेस और जेएमएम का झंडा लेके घूमते हैं उनसे जाकर के पूछे कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से कितना वो ताल्लुक रखते हैं। और जो इन्होंने एलिगेशन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा कार्यालय बना है, अगर गलत बना है, बुलडोजर आपके पास है, सरकार आपके पास है, कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय गिरा के तो देखे। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पॉकेट से चंदा दे करके उन अपने कार्यालय को बनाया है, अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करने का वो कार्यालय है, अंत्योदय के भावना को पूरा करने वाला कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है, भारतीय जनता ही पार्टी इसको संवारेगी, इन लोगों ने इसको लूट करके बर्बाद किया। हेलो 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 और हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए कहा जाए तो हंगामेदार मॉनसून सत्र का अंत हुआ है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन एक शब्द बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, वो है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को नालायक कहा, जिन पर आपने प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश की, लेकिन हमने चंपाई सोरेन का बाइट सुना, बयान सुना तो साफ तौर पर चंपाई सोरेन ने कहा कि जो जैसा सीखेगा वो वैसा ही बोलेगा। और अपनी सरकार के नीचे के हिसाब से ये चुनाव का साल है, तो जो अगला चुनाव होने वाला है मुख्यमंत्री का वक्त है वो उसके हिसाब से रहता है। अब विपक्ष को या हमको किसी को भी एतराज हो उसको एतराज व्यक्त कर सकते हैं, और उससे जवाब पर उनके तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ ये तो बात है, हालांकि नालायक संसदीय नहीं है, नालायक का मतलब लायक नहीं होना होता है, तो असंसदीय नहीं है, मगर आमतौर पर विधानसभा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो बताया ना कि उत्तर बिल्कुल राजनीतिक उत्तर है, पॉलिटिकल उत्तर है, अगला चुनाव को ध्यान में रख के उत्तर है, और दूसरा कि विपक्ष के रवैये पर अपनी भड़ास निकालने वाला उत्तर है। मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफी चेंज का सवाल उठाया है रांची। देखिए मंत्री दीपक बिरुवा जी है, मंत्री जी देखिए मंत्री कॉन्फिडेंट है और उन्होंने लोगों के लिए करने का प्रयास किया है, इसलिए उनको पूर्ण विश्वास है और हम लोग को विश्वास है, दोबारा निश्चित आएंगे। हम विपक्ष का काम है आपत्ति दर्ज करना, हर चीजों का विरोध करना, वो तो करिए रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, जिस तरीके का ऐसा कोई बात नहीं है, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करते रहेंगे। देखिए सदन की कार्रवाई तो सदन के अंदर की चीजें अध्यक्ष के यहाँ निहित है, विशेष अधिकार है उनको, और जो परंपरा है जो मर्यादा है उसी के अंतर्गत उन्होंने ये चीजें किया। तो देखिए ये मंत्री दीपक बिरुवा जी थे और भी जो विधायक मंत्री निकल रहे हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उन
जी चित्रंजन, लगातार आप वहां पे बने रहिए और तमाम वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए कि आखिर, क्योंकि सदन की कार्यवाही तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि राजनीति कहीं से भी ठंडी नहीं होती हुई नजर आ रही, लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है। एक तरह सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ी होती हुई नजर आई है। चित्रंजन, नहीं है सरयू राय जो नहीं है, और इसको सरयू राय जो जो निर्दलीय विधायक, उन्होंने भी इस भाषण को, उन्होंने भाषण कहा और कहा कि राजनीतिक भाषण है, पॉलिटिकल जो है चुनाव को ध्यान में रख कर यह बयान जो है जवाब दो, वो देखा जा रहा है कि और भी जो बीजेपी के विधायक या बाकी जो मंत्री जब निकलेंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने इन जो सवाल किए, तो उन सवालों के जवाब से बीजेपी खुश नहीं है और उनका कहना है कि हेमंत सोरेन ने जो शब्द का उपयोग किया वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि सरयू राय ने कहा कि ये असंदेह भाषा तो नहीं है, नालायक का मतलब लायक नहीं होना होता है, लेकिन फिर भी एज ए मुख्यमंत्री उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं मंत्री दीपक बिरुवा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री है विपक्ष हंगामा कर रही थी, तो ऐसे कोई भी भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो सदन के खिलाफ हो या असंसदीय। देखिए जब अपोजिशन के लीडर अमर बावरी से जब उन्होंने बातें कही तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के कार्यालय है कि जमीन अधिग्रहण की बात कही कि जमीन लूट बीजेपी वाले रहे, तो उस पर भी जवाब दिया अमर बावरी ने, कहा कि बीजेपी का जो कार्यालय हो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पैसे से बना हुआ है, ना कि सरकारी पैसे से बना हुआ है। तो देखिए जो वाद विवाद जो हो रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिए हैं उससे जो है विपक्ष कुछ नहीं है, और उनके जवाब पर भी कई सवाल जो है विपक्ष वो उठा रही है। अंकिता, देखिए चित्रंजन, कहीं ना कहीं विपक्ष जो सवाल की बात कर रही थी तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब भी दिया, लेकिन एक अनोखे अंदाज में। यहां तक कि एक और बात सामने आई, अमित मंडल ने एक सवाल किया था तो उस पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि हेमंत सरकार अपने वादा से ही पलट रही है, क्योंकि हेमंत सरकार की ओर से जब राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया तो कहा गया, जो अमित मंडल ने सवाल पूछा था उस पर, कि ऐसा कोई वादा ही नहीं किया गया था। बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर बीजेपी का जो रोष है वो बढ़ता गया, और जिस तरीके से चाहे वो बेरोजगारी भत्ता की बात हो, बेरोजगारी भत्ता पे भी हमने भी मुख्यमंत्री का जो जवाब है वो सुने, उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता की जो बात थी वो कई प्रखंडों में दिए गए, लेकिन उस पर भी सीपी सिंह ने कहा कि एक भी राज्य की जनता को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। वहीं जहां तक डेमोग्राफी चेंजेस की बात विपक्ष कर रही थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि डेमोग्राफी बदलाव जो हुआ तो वो रांची में किसने किया, बोकारो में किसने किया, जमशेदपुर में किसने किया, धनबाद में किसने किया, तो इन तमाम चीजों को लेकर हेमंत सोरेन ने जवाब दिया, जिससे विपक्ष जब कई सवाल खड़े कर। वहीं सबसे बड़ी बात विधायक लंबोदर महतो के सवाल पर जो जवाब दिया हेमंत सोरेन ने, क्योंकि देखिए कुर्मियों की मांग रही है कि एसटी विभाग को लेकर, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जी नहीं, उस पर कहा कि हम लोग को खुद जो है वो चीजें नहीं मिल रही, तो फिर लंबोदर जी आप लेके कहाँ जाइएगा। देखिए विधायक शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की विधायक है, वो 100% सच्चाई है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको पटल से रखे हैं। तो किसको बाहरी बताया जा रहा है यहाँ पर? बाहरी वो सब हैं जो इस राज्य में आके दुगला लाभ, दो लाभ लेते हैं, दोहरा लाभ लेते हैं, उस राज्य के में भी वोट देते हैं, इस राज्य में भी वोट देते हैं, वहाँ भी राशन कार्ड है, यहाँ भी राशन कार्ड है, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं। आज 1985 ला के झारखंड में बाहर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने वाला काम भाजपा सरकार ने किया है, और ये जग जाहिर है, बस जरूरत था जनता को याद दिलाना, और आज मुख्यमंत्री जी ने उस बात को माना है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और डेमोग्राफी चेंज इसी को कहते हैं, शिफ्ट इन पॉपुलेशन को ही कहते हैं। ये लोग जो बांग्लादेश घुसपैठिया का बात करते हैं वो तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इनको हल्के में इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, काम करना चाहिए अगर सही में ऐसा हुआ है, क्योंकि किसी भी देश में घुसपैठिया का बात हो सकता है,
आपको आप लोगों को याद होगा डोनाल्ड ट्रंप थे यूएस में, मेक्सिको का इशू था, ट्रंप वॉल बनाया गया था। उन वैसा हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, आप ट्वीट के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते हैं, बाबूलाल मरांडी ट्वीट करते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, भाई होम मिनिस्ट्री का अपना ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है भी कि नहीं। हल्के में चीजों को ना ले, हम लोग जनता को लेके, झारखंड को लेके बहुत गंभीर है और आने वाले समय में इस राज को पिछड़ा राज से लेके अग्रा राज तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए एसटी एससी जो कल का सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें दो चीजों का वर्णन किया गया है। पहला चीज है सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल झारखंड में ही देख लीजिए 32 तरह के जनजाति है, जिसको आज भी हम कहे, मेरा जो डिबेट आज भी था गैर सरकारी संकल्प में, 32 जनजातियां हैं, उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं वो बहुत जरूरी है, जिसके लिए सब कैटेगराइजेशन एसटी में भी एससी में भी जरूरत है, हम मानते हैं इस बात को। मगर जो क्रीमी लेयर की बात कही गई है, देखिए एसटी एससी हिस्टोरिकल रूप से अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन से उन लोगों को माना जाता है। अब आपका जेब में पैसा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमको भेदभाव नहीं सहना पड़ता होगा, आज भी भेदभाव है, तो बात उसका है, इसीलिए चर्चा का विषय है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, बट हाँ निश्चित रूप से इसमें चर्चा होना चाहिए। कौन नालायक, क्या आप लोगों ने दिखाया इनका कदाचार, इन लोगों ने जो किया उसमें आप लोगों ने इनसे बहस करिए, इनसे जवाब मांग के आइए, तब हम इसका जवाब देंगे आप लोगों। जवाब तो सबसे लिया भी जाता है। तो देखिए ये कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की थी, उन्होंने भी कहा आखिरकार, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो शब्द पर जिस शब्द पर बीजेपी को आपत्ति है, उस शब्द पर कहा कि बीजेपी विधायकों के आचरण पर पहले जवाब ले, लेकिन बीजेपी के विधायकों के आचरण पर लगातार जो है सवाल जवाब किए जा रहे हैं और जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर वो भी करेंगे हम भी करेंगे, वो करेंगे इसलिए हम भी करेंगे, तो ऐसे में राज्य की जनता का भला कैसे होगा, वो नहीं करेंगे तो हम भी, तो फिर राज्य की जनता का भला करेगा कौन, बड़ा सवाल। एक बार अंकिता देखिए चित्रंजन, बांग्लादेशी घुसपैठ को बहुत ज्यादा मुद्दा बनाया गया और बहुत ज्यादा उसे, हमने सत्र के दौरान भी देखा कि उसे काफी बखूबी बीजेपी की ओर से भुनाया भी गया, और सिर्फ सत्र के दौरान ही नहीं, सत्र के पहले से ही कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ने ये प्लान बना लिया था कि ये मुद्दों को पूरी तरीके से भुनाना है और विधानसभा के पटल पर भी रखना है, और हमने वो भी देखा। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की भी ने कहा कि होम मिनिस्ट्री का मामला है, ये केंद्र का मामला है, कि केंद्र से देखे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो झारखंड को लेकर हम गंभीर है, तो ऐसे में क्या बीजेपी को नहीं लग रहा है कि बीजेपी भी इस पर कुछ स्टैंड दे रही है अपना? देखिए अंकिता, बिल्कुल आपने जो कहा वो सही है, देखिए क्योंकि अब देखिए इन सभी चीजों को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यह सदन की कार्यवाही का अंतिम जो सत्र है वो था, क्योंकि इसके बाद सभी दलों को चुनावी मोड में जाना है, चुनावी सभाओं पर जाना है, तो ऐसे में देखिए लगातार जो सवाल उठ रहे थे, तो क्योंकि सभी को अपने अपने एक राजनीतिक जो मुद्दे हैं उसको उठाने थे, चाहे वो अपोजिशन की बात हो या सत्ता पक्ष की बात हो। देखिए सत्ता पक्ष ने जो वादे किए थे उन्हीं वादों को सवालों के साथ बीजेपी ने सदन के पटल पर रखने का काम किया, लेकिन उसी पर लगातार बीजेपी के विधायक जो है जवाब मांग रहे थे, जिस पर जवाब के दौरान जो है हमेशा ऐसा होता है कि हेमंत सोरेन जब भी जवाब देते हैं तो जो अपोजिशन के जो विधायक है वो जो है वॉकआउट कर जाते हैं, लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब के समय बीजेपी के सभी विधायक जो है सदन में बने रहे, उनका पूरा जो जवाब है उसको सुना, लेकिन बड़ा सवाल जब सुनने के बाद भी विधायकों ने सवाल खड़े किए कि जब व्यवस्था के तहत हमने उस पर सवाल करने चाहे तो वो उसकी जो है परमिशन जो है विधानसभा अध्यक्ष से हमें नहीं मिले। देखिए विधायक लंबोदर जी है विधायक लंबोदर महतो जी, इनसे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है बाद बाकी आप बात कर लीजिए, किनसे किनसे बात होता है 15-20 मिनट में फिर। चुनाव के बाद आप लोगों का दो दिनों से आप
देखिए जिस आक्रामकता के साथ और जिस भाषा में मुख्यमंत्री जी राज्य के युवाओं के संदर्भ में 5 लाख नौकरी के संबंध में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के बारे में ओबीसी आरक्षण के बारे में इन सारे जनहित के मुद्दों पर जो जवाब दे रहे थे उनका जवाब देने का तरीका और भाषा बिल्कुल ही असंसदीय था। आप सुने होंगे कि कई बार नालायक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, तो आप समझ सकते हैं एक इतने बड़े और इतने संसदीय और इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से नालायक जैसे शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उनमें विपक्ष के प्रति आक्रोश था और नहीं कर पाने का उससे ज्यादा आक्रोश था कि जिन बातों को लेकर उनका था कि हम अपनी पहली कैबिनेट में झारखंड राज्य की पीछे जातियों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे और वो पहली क्या अब तो अंतिम कैबिनेट हो गई, नहीं दे पाए। जातीय जनगणना की बात किए थे, नहीं कर पाए। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात थी, नियोजन नीति की बात थी। सदन में इन्होंने आश्वासन किया था कि हम विस्थापन आयोग लाएंगे, तो शायद ये सब नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक कहावत है कि खिसियाने बिल्ली खम्भानो छे, तो विपक्ष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वही कर रहे थे। देखिए तो हमने तो तर्क से के साथ बात किया कि आप 1913 का नोटिफिकेशन, 1931 का नोटिफिकेशन, वो फिर आपका सेंसर सुप्रिंटेंडेंट का ये एचएच रिजले साहब का रिपोर्ट, सारे में हम ओरिजिनल ट्राइब थे और कई नोटिफिकेशन में भी हम थे। हिंदू सक्सेशन एक्ट से हम एग्जम्प्टेड थे, जिस तरह से अयन ट्राइब्स यहाँ पर एग्जम्प्टेड थे हम भी एग्जम्प्टेड थे। तो हमने तो बहुत तर्कसंगत प्रामाणिक तरीके से और तथ्य और साक्ष्य के साथ मांग किया था कि झारखंड की कुर्मी जाति को आप अनुसूचित जनजाति में शामिल करो। और मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि अगर कुर्मी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हो जाती है तो झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज्यादा हो जाएगा, झारखंड ट्राइबल स्टेट बन जाएगा। तो उनको तो झारखंड को ट्राइबल स्टेट बनाने के दिशा में सोचना चाहिए थोड़ा दिल उदार दिल के साथ। और उन्होंने शामिल करने के लिए उनको कहा कि हम पहले से यहाँ दुर्दशा है, तो इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है? जो सरकार में बैठा हुआ लोग, जो सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी, जो सरकार में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री, सरकार आदिवासियों की दुर्गति के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार वही है। तो ये विधायक लंबोदर महतो आसू के विधायक थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने मांग की थी कि जो विधायक के कुर्मियों को जो है एसटी में शामिल कराया जाए, इसको लेकर उन्होंने मांग की थी, जिस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि खुद झारखंड के ट्राइबल जो आदिवासी है उनकी स्थिति खराब, तो शामिल होकर कहां जाएंगे आप, क्या कर लीजिएगा इस पर। इसको लेकर जो जवाब है वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने दिए, जिस पर लंबोदर महतो सामने सवाल किए। तो देखिये जो बीजेपी के विधायक हैं वो अब बाहर निकलने लगे, एक एक करके हम उनसे बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब से वो कितना खुश है इसको भी लेकर हम इसको भी जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे। देखिए जो विधायक वो निकल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब की जो मांग आप लोग कर रहे थे, बीजेपी विधायक जो कर रहे थे, उनके जवाबों से कितनी खुश है। और सत्ता पक्ष के विधायक जो है अंतिम सत्र जो सदन का अंतिम सत्र रहा उसको लेकर विपक्ष के रवैये से उनका क्या है और क्या उनको सच में लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सवाल पूछे जा रहे थे उन सवालों का जवाब दिया, ये भी सवाल हमारी होगी। तो देखिए एक करके जो विधायक आ रहे हैं हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं अंकिता, तो थोड़े जो विधायकों का इंतजार करना होगा जो विधायक अंदर में है। अंकिता देखिए चित्रंजन, आबादी को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आबादी, जैसे रांची की बात कर ले, धनबाद की बात कर ले, जमशेदपुर की बात कर ले, तो उसे लेकर भी कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि वहां के जो शहरों की जो आबादी बढ़ी इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो क्या बीजेपी को लगता है कि बीजेपी इस पर कुछ स्टैंड या कुछ भी बोल पाएगी, क्योंकि आबादी को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है मुख्यमंत्री की ओर से सदन में। विधायक रणधीर जी जो मांग कर थी आप लोगों की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो जवाब दिया, उनके जवाब से कितने संतुष्ट? एक भी मांग का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। संतुष्ट असंतुष्ट होने की बात तब आती जब कोई बात को जवाब देता है। जो भी हम लोगों ने मांग किया, पार्टी को वेतनमान देने का मांग, उस पर कोई जवाब नहीं आया।
जल सैया बानों को मानदेय देने के बाद कोई वक्तव्य नहीं आया। संविदा कर्मी मनरेगा कर्मी को अस्थायी करने का मांग वो भी पर कोई जवाब नहीं आया। महिला सखी मंडल को सरकारी लाभ देने पर कोई जवाब नहीं आया। कृषक मित्र को मानदेय देने पर कोई जवाब नहीं आया। और जितने भी तरह के संविदा कर्मी हैं उन पर कोई जवाब सरकार का नहीं आया मुख्यमंत्री जी का। और बहुत ही भाषण दूसरे टाइप का भाषण देने लगे, हम लोग को नलायक कहे, तरह तरह का अपशब्द का प्रयोग हुआ और विषय से विषांतर ले गए भाषण को। और जिन विषयों को रोजगार पर हम लोगों ने बात किया, भाई कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, उस पर इनका जवाब नहीं आ पाया। नियोजन नीति स्थानीय नीति पर कोई बात नहीं आ पाया। 70% ओबीसी का आरक्षण पर कोई विशेष बयान नहीं दिया, सिर्फ बोल बोल गुलाब बुला के इन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया। और आज की जनता ठगी भी महसूस कर रही है, हम लोग भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नलायक शब्द पर आपत्ति तो बीजेपी विधायक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सदन की कार्यवाही तो अब समाप्त हो गई, स्थगित हो गई अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि अब हम लोग जनता बीच में जाएंगे, जनता के बीच बातों को रखेंगे, हम लोग जनता को बताएंगे इस तरह से जो है मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया 5 साल, जनता को बताएंगे। बेरोजगारी भत्ते पर जो उन्होंने जवाब दिया, कहा कि बेरोजगारी भत्ता कुछ झूठ बोला उन्होंने, एक भी प्रखंड में कहीं बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, आप पता कर लो, कहीं भी नहीं। भाजपा कार्यालय को लेकर भी उन्होंने कहा कि जमीन की लूट का आरोप हम पर लगाते, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने खुद जमीन लूट कर जो है कार्यालय बनाने का काम किया। उनकी सरकार है ना, उनकी सरकार है, अभी भी उनका एक महीना का काल बचा, जांच करा ले, उनको रोका है, वो जांच करा ले ना। बिल्कुल, देखिए विधायक रणधीर जी थे सारठ के विधायक, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के पास सरकार है, अभी कार्यकाल उनका बचा हुआ है, तो अगर बीजेपी के कार्यालय पर अगर उनको प्रश्न लगता है, उनको गलत लगता है, तो उसकी जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री को, ना कि सिर्फ आरोप लगाने चाहिए। और जो जवाब उन्होंने दिया पूरी तरह से असत्य है, उनके जवाब में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी सत्यता नहीं। वहीं जहां तक नलायक जैसे शब्दों की बात करें, तो नलायक के शब्दों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है, कहा कि इन सभी चीजों को लेकर अब जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि अब चुनाव जो है नजदीक है, तो ऐसे में अब जनता है जो है वो फैसला करेगी कि कौन किसके पक्षधर है, कौन किसकी जवाबदेही तय करती है। अंकिता, देखिए चितरंजन, सरना धर्म कोड की भी मांग के लगातार झारखंड में कई सालों से है, लेकिन अगर हम बात करें तो सरना धर्म कोड पर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हुआ था झारखंड में, तो कहीं पे भी हमने नहीं सुना था कि सरना धर्म कोड पर प्रधानमंत्री ने बोला हो, या फिर बीजेपी के तमाम विधायक कभी भी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं सरना धर्म कोड की मांग को लेकर। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हमने संबोधन सुना सदन के अंदर से, तो उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। चितरंजन, हमारा संपर्क हमारे सहयोगी चितरंजन से टूट चुका है, एक बार फिर से उनसे हम जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लगातार विधानसभा परिसर के बाहर से ही हम आपको बता रहे हैं कि वहां की जो विधायकों का क्या कुछ कहना है, बयान भी हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। तो साफ तौर पर इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में आक्रोश और ज्यादा बढ़ा हुआ। एक तरफ 18 विधायकों को निलंबित किया गया, तो दूसरी तरफ अगर हम बात, हालांकि 2 बजे तक ही निलंबित किया गया था, लेकिन इसके बाद सदन में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन खत्म हुआ, तो उनके जो शब्द इस्तेमाल किए गए विपक्ष के लिए, तो उन शब्दों पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने आपत्ति जताई है। तो दूसरी तरफ अगर हम शिल्पी नेहा तिर्की की बात कर ले, तो शिल्पी नेहा तिर्की ने लगातार ये कहा कि जैसा वो करेंगे वैसा ही उन्हें सुनने को मिलेगा। तो साफ तौर पर देखिए पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में ही टकराव हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। अमर बावरी ने, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, तो उन्होंने स्पीकर पर ही आरोप लगाए, विधानसभा अध्यक्ष पर ही आरोप लगाए, और हमारे सहयोगी चितरंजन लगातार वहां से बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चितरंजन, देखिए इसके पहले मेरा आपसे यही सवाल था कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो मुखर होती हुई नजर आती है, और दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात कर ले, केंद्र सरकार की ही बात कर ले, तो सरना धर्म कोड पर किसी तरह की बयानबाजी नहीं आती, कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने जब देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहां पे पहुंच रहे थे झारखंड में, लेकिन सरना धर्म कोड पर उन्होंने एक बार भी कोई कहीं पे भी कोई भाषण में जिक्र नहीं किया। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल उठाया सरना धर्म कोड को लेकर भी, और केंद्र सरकार से ही सवाल पूछा है। चितरंजन, Uh,
सरना धर्म कोड को लेकर जो है बीजेपी इसमें फंसती हुई नजर आती है, इसलिए सरना धर्म कोड को लेकर बीजेपी के तरफ से कोई बयान नहीं दिए जाते, क्योंकि देखिए सरना धर्म कोड एक ऐसा मुद्दा जो ट्राइबलों का मुद्दा, और इस मुद्दे पर बीजेपी खुद अपने दांव पर फंसती जाती है, इसलिए सरना धर्म कोड को लेकर ना स्टेट के नेता बोलते ना ही नेशनल जो लीडर्स है वो बोल पाती है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में जब ट्राइबल सीटों पर जो बीजेपी को मात मिली तो एक बहुत बड़ा मुद्दा सरना धर्म कोड का मुद्दा हावी था, जिसके कारण बीजेपी को ट्राइबल सीटों पर नुकसान हुई। तो देखिए ट्राइबल सरना धर्म कोड का जो मांग है वो राज्य सरकार की मांग है केंद्र सरकार से, लेकिन कैसे मुद्दे जो जिन मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी जो है राज्य सरकार को घेर रहे तो मुद्दे झारखंड के मुद्दे वो स्थानीय नीति के मुद्दे पर घेर रही थी, वो नियोजन नीति के मुद्दे पर, बेरोजगारी भत्ते पर, तमाम जो वादे हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दलों ने किए थे उन सवालों पर ही जो है सरकार को घेरने का काम जो है विपक्ष कर रही थी। लेकिन ऐसे में जब मुख्यमंत्री का जवाब का इंतजार किया जा रहा था, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब आया तो जवाब से विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं, विपक्ष अब कह रही कि इनके जो जवाब हेमंत सोरेन ने दिया है वो एक झूठ का पुलिंदा है, सिर्फ उन्होंने असत्य बातें कही कहीं, साथ ही साथ विपक्ष पर जो नालायक का शब्द प्रयोग किया उस पर भी बीजेपी के विधायकों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि अब जो है इन मुद्दों को जो है जनता के बीच ले जाएंगे और जनता के बीच इन मुद्दों को रखने का काम करेंगे और जनता तय करेगी, क्योंकि अब देखिए 2 महीने के बाद ही विधानसभा के चुनाव होने, तो ऐसे में चुनाव के समय ये मुद्दे कितने हावी रहते और ये मुद्दे पर कौन किस पर भारी पड़ता, किसके पक्ष में कौन से मुद्दे जाते और विपक्ष कैसे राज्य वर्तमान जो राज्य की सरकार है उसको कैसे किन किन मुद्दों पर राज्य की जनता के बीच घेर पाती है अहम होगा। अंकिता देखिए चित्रंजन, बिल्कुल अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की हम बात कर ले तो बिल्कुल उसमें कम समय लगा है तो, और दावे भी किए जा रहे, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 52+ सीटें आएंगी तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अगर बात कर ली, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उनकी सरकार बनने जा रही, तो दावे तो भरपूर किए जा रहे हैं दोनों ही ओर से चित्रंजन। बिल्कुल अंकिता, देखिए क्योंकि दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सबको अंकिता जो विधानसभा के चुनाव होने उसमें सबको जो है सत्ता की चाबी सबको चाहिए, यही कारण है कि सभी अपने जो है कैसे राज्य की जनता को वादे देकर जो लुभाने की कोशिश है वो सभी दलों की तरफ से की जा रही है, यही कारण है कि इस विधानसभा के पूरे सत्र में आपने देखा होगा कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो सभी जो विधायक है वो कैसे मुद्दों की बात, देखिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी है इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम सवालों के। अरे कहां से इतना दिन के बाद प्रकट है डी बाबा, देखिए ये लोग अब इन लोगों की व्याख्या करना ही मतलब अपने आप में कहते हो बेवकूफी, ये लोग कभी मुख्यमंत्री के वक्तव्य नेता सदन के वक्तव्य के लिए सदन पर कब्जा जमाते हैं, नौटंकी तमाशा करते हैं, बाहरी लोग को सदन में घुसाने का काम करते हैं, और जब नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री का जब वक्तव्य होता है तो नाच गाना करते हैं, तालियां बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, हो हल्ला करते हैं। आज पूरी तरह से इनकी कलई खुल गई है और कहे तो इनके मुंह पर काली खुल गया। आज राजनीतिक जवाब और जो सवाल विपक्ष कर रहा था दोनों में अंतर है, ऐसा लगा कि राजनीतिक जवाब आप लोग ज्यादा देना कर रहे हैं, कट नहीं बता, ये आपको लगा ऐसा? आप बड़ा बड़े राजनीतिक पंडित हैं आप, चलिए आपसे अलग से बात कर लेंगे हम। जो भी मुद्दों की बात थी हमारी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कौन कौन से काम हुए, कैसे आम जनता को केंद्र में रखकर उनका उनको उनके योग्यता के अनुसार लाभ दिया गया, अंतिम पंक्ति के लोगों तक कैसे हक अधिकार पहुंचाया गया, कैसे हम लोगों ने आधारभूत संरचना में विकास के काट में काम किया, हम लोगों ने बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में, ये नहीं सुनने की इनकी कुबत नहीं है कि सुनने का इनका
का मादा नहीं है इनमें सुनने का। यही आज बता दे कि इनके मुंह पर पूरी तरह से इनका ढोल अब पूरी तरह से फट गया आज। आज अनुसार ही अगर सब चीज चले, पूरा लोकतंत्र संविधान पूरा करना चाहते हैं तब इन्हीं के अनुसार सब चीज चलेगा। ये हमेशा जनता के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं और इन्होंने सुना वो तो खैर कितनी गंभीरता से ये सुन रहे थे मन की बात। ये तो आपको आप लोगों को वीडियो अगर असंवैधानिक है ये संसदीय है तो आप देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। ठाकुर जी उन्होंने कहा कि नालायक सब जो है सही है आप पता कर लीजिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिए वो विपक्ष को आईना दिखा दिया है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा विहीन है जिसके कारण विपक्ष जो है सिर्फ हंगामा करती रही। तक मुख्यमंत्री का जवाब दे रहे तो उस बात है तो विपक्ष भी सिर्फ नौटंकी कर रही थी। हेमंत सोरेन के जवाबों को गंभीर रहे थे, अगर ये गंभीरता से सुने होते तो इस तरीके खड़े नहीं करते। मुख्यमंत्री ने गंभीरता पूर्वक पर जो है वो जवाब अपने सवाल लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि अगर हम सदन की कार्यवाही की अगर हम बात कर ले तो आखिरी दिन था और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और विधानसभा में विपक्ष पर हेमंत सोरेन जमकर बरसे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर ईडी के लग जाने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। तो दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा सरमा के चुनावी दौरे पर सीएम की तीखी टिप्पणी भी आई है सामने। चुनाव आने के बाद झारखंड क्या असम में सफाया हो जाएगा, ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कही है चुनाव आने के बाद साफ तौर पर, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों ही दलों की ओर से ये दावे किए जा रहे, चाहे हम इंडी गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए गठबंधन की बात कर ले, दोनों ही ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार कहने का मतलब ये है कि इस बार के चुनाव में एनडीए की सरकार बनने वाली है ये एनडीए दावा कर रही है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि फिर से हेमंत सरकार आएगी, तो दावे तो दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कार्यों को गिनवाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी सीएम ने गिनवाया है, पारा शिक्षा के मानदेय 50% की वृद्धि हमने की, ये बातें हेमंत सोरेन ने कही। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जरूर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी तैयारी है, दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए। क्योंकि देखिए जनता ही है, जनता के ऊपर ही सब कुछ है कि वो किसे लाएगी और किसे वहां से हटाएगी। तो कहीं ना कहीं जनता को खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है दोनों ही दल। और विधानसभा की मानसून सत्र की अगर हम कार्यवाही पर गौर दें तो हमने साफ तौर पर देखा है किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई सदन की कार्यवाही शुरू दिन से ही। बीजेपी यानी कि एनडीए तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर रही, चाहे वो बालू चोरी का मामला हो या फिर बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा हो, यहाँ तक कि 15 सवालों की सूची भी विपक्ष की ओर से बनाई गई थी, 15 सवाल पूछे गए थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो आखिरी दिन जवाब देंगे तो इसके बाद हमने और भी राजनीति को गरमाती हुई देखी।